जाने माने पंजाबी सिंगर मनमीत सिंह का हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनका शव मिलने के बाद हुई है। दरअसल अचानक बादल फटने की वजह से वहां बाढ़ आ गई थी, जिसमें वो लापता हो गए थे। मंगलवार देर शाम सिंगर का शव करेरी तालाब में मिला। आपको बता दें कि मनमीत सिंह अपने दोस्तों के साथ हिमाचल में छुट्टी मनाने गए थे, लेकिन बादल फटने से हुए हादसे में उनका निधन हो गया। उनके निधन से मशहूर सूफी सिंगर ग्रुप सैन ब्रदर्स की जोड़ी टूट गई है। दुनियादारी गीत से स्टार बने सूफी गायक मनमीत सिंह अपने भाई कर्णपाल उर्फ केपी और दोस्तों के साथ शनिवार को धर्मशाला घूमने आए थे। रविवार को ये सभी धर्मशाला से करेरी लेक घूमने गए थे। रात में तेज बारिश की वजह से वे वहीं रुक गए। अगले दिन जब दोस्तों के संग निकले तो एक गड्ढे को पार करते वक्त फिसल गए और पानी में बह गए। बाकी लोगों ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उनके फोन पर कई बार कॉल किया गया, जब उधर से कॉल रिसीव नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनकी खोजबीन शुरू हुई। एसपी कांगड़ा की माने तो करेरी लेक के पास उनके लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम का गठन कर मनमीत सिंह को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। मंगलवार देर शाम रेस्क्यू टीम को मनमीत सिंह का शव बरामद हो गया। गौरतलब है कि अचानक आई इस बाढ़ के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग लापता हैं। मनमीत सिंह पंजाब के अमृतसर के छेहटा के रहने वाले थे। उनका म्यूजिकल ग्रुप सैन ब्रदर्स के नाम से मशहूर था। इस ग्रुप ने भारत के अलावा विदेश में भी अपनी गायकी से लोगों का दिल जीता था। न्यूज़ डेस्क।